हेलो गाइस, सो दिस इज़ आवर सेकंड सेशन ऑफ सिनेमेटोग्राफी। हमने फर्स्ट सेशन में बात करी थी कि सिनेमेटोग्राफी क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स। स्टैटिक्स के कितने टाइप्स होते हैं, उसमें क्या क्या आता है, लाइक स्केल, एंगल्स एंड लेवल्स। और हमने स्केल और एंगल्स को डीपली डिस्कस किया था। सो अभी हम बात करने वाले हैं लेवल्स की, कि लेवल्स क्या होते हैं। ओके, सो लेवल्स, ठीक है, बेसिकली तीन टाइप्स के लेवल्स होते हैं। फर्स्ट वन इज हाई लेवल। ओके, हाई लेवल क्या होता है? व्हेन यू कैप्चर समवन फोटो और वीडियो फ्रॉम द हाई लेवल, लाइक इफ ये हमारा ऑब्जेक्ट है और आपका कैमरा यहाँ है और आपने हाई लेवल से उसका वीडियो कैप्चर करा, That's the high level. तो high level से हम ज़्यादातर basically video क्यों capture करते हैं? जब हमने किसी को weak दिखाना हो, कमज़ोर दिखाना हो, छोटा दिखाना हो, poor दिखाना हो, ठीक है, that's a pal की पूरा कमज़ोर दिखाना हो, in short, ठीक है। और second चीज़ के क्या होती है, like जब आपको सिर्फ उसके face के emotions दिखाने हैं, है ना, because आप ऊपर से capture कर रहे हैं, of course face के emotions पहले आएंगे। तो कब? जब सिर्फ फेस के इमोशंस दिखाने हो, ठीक है। सेकेंड वन वी हैव आई लेवल। ओके, आई लेवल क्या होता है? आई लेवल से हम कब कैप्चर करते हैं? जब हमें किसी का रियलिटी दिखाना हो, ठीक है, व्हेन वी कैप्चर फ्रॉम द आई लेवल, ठीक है। जब आपका, जब अगर आपने कैमरा रखा है तो वो बिल्कुल कैमरे का लेंथ स्ट्रेट हो, ऊपर नीचे ना हो। और डायग्राम से समझे, जब आप किसी का फोटोग्राफ और वीडियो सामने से लेते हैं, दैट्स द आई लेवल। ओके, थर्ड वन, दिस इज फॉर द रियलिटी, मतलब जो जैसा है उसको वैसा दिखाना है। थर्ड वन वी हैव लो लेवल। लो लेवल क्या होता है? ओके, लो लेवल में क्या होता है? जब आप किसी को लो लेवल से कैप्चर करते हैं, लाइक डायग्राम से समझे, फ्रॉम डाउन, तो ऐसा हम क्यों करते हैं? लो लेवल से क्यों कैप्चर करते हैं? जब हमें किसी को बहुत स्ट्रांग दिखाना हो, पावरफुल दिखाना हो, बड़ा दिखाना हो, ठीक है, रिच दिखाना हो, ब्रॉड दिखाना हो, है ना, कई बार होता है ना, लाइक इफ यू टॉक अबाउट फिल्म, जब हीरो के एंट्री होते हो, लो लेवल पे शॉट्स होते हैं सारे, है ना, क्योंकि वो उतना ही स्ट्रांगर, उतना ही पावरफुल उसकी पर्सनैलिटी रखती है, ठीक है। कुछ अगर आप एनिमेटेड फिल्म देखें तो बड़े बड़े कार्टून्स होते हैं, है ना, उनके भी सारे कैप्चर लो लेवल से होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये तीन चीज़ें जितनी ही सिंपल लग रही हैं उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड है व्हेन यू आर गोइंग टू शूट, बिकॉज जो आप दिखाना चाह रहे हैं अगर वही नहीं दिख रहा एग्जैक्टली, तो आपकी नॉलेज अभी इनकम्प्लीट है। तो इसको